इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ जिले के पचोर थाने से आ रही है, जहां पर भोपाल डिप्टी कलेक्टर राजेश शोरते पर यौन शोषण मामले में FIR दर्ज की गई। पचोर थाना अंतर्गत पीड़ित महिला ने 21 दिन पहले पचोर पुलिस को आवेदन दिया था, जिसमें पीड़ित महिला ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें बताया गया था, पीड़ित महिला ने बताया कि उक्त आवेदन में 2021-22 में राजेश शोरते पचोर नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे और उस दौरान महिला संपर्क में आई थी, उसके बाद से लगातार महिला का शोषण किया गया था, जिसके बाद उक्त महिला ने डिप्टी कलेक्टर राजेश शोरते के खिलाफ 25 अक्टूबर को चोर पुलिस थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी। उसके बाद 21 दिन और 17 घंटे की पूछताछ के बाद आज 14 नवंबर को उक्त महिला के बयान लेने के बाद डिप्टी कलेक्टर भोपाल डिप्टी कलेक्टर राजेश शोरते पर यौन शोषण मामले में FIR दर्ज की गई। आपको बता दें कि उक्त महिला के बयान पर डिप्टी कलेक्टर भोपाल राजेश शोरते पर 376-2 में चोर थाने में FIR दर्ज कर महिला के बयान लिए गए हैं। उसके बाद महिला को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय राजगढ़ भेजा गया। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, राजगढ़। सर, मैंने जो FIR के लिए आवेदन लगाया था 25 तारीख को, तो आज 21 दिन के बाद मुझे FIR मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद SP साहब ने मेरी मदद की, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद और मीडिया वालों को भी धन्यवाद। किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई? राजेश शोरते के। राजेश शोरते कौन है? ये अभी वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर है, पहले तहसीलदार थे। कहाँ पर है डिप्टी कलेक्टर? ये भोपाल में है। अब आपके न्याय चाहती है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।